Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के तीसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है। कोरोना महामारी के चलते बोर्ड परीक्षाओं पर असमंजस की स्थिति है। किसी भी बोर्ड ने परीक्षाओं की तिथि की घोषणा अब तक नहीं की है। हालांकि CBSE बोर्ड की ओर से मार्च के तीसरे सप्ताह से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत की जा सकती है। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फरवरी व मार्च में संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की घोषणा कर दी है। जेई के जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार फेज वन की परीक्षा फरवरी अंतिम सप्ताह में और फेज टू की परीक्षा मार्च के दूसरे सप्ताह व तीसरे सप्ताह में होगी। जेई की परीक्षा को देखते हुए CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ा दी है। जेई परीक्षा समाप्त होते ही CBSE की बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित होंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजा अधिकारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12वीं की परीक्षा 6 से 13 नवंबर को आयोजित की गई थी, वहीं 10वीं की परीक्षा 9 से 13 नवंबर को आयोजित की गई थी। कंपार्टमेंट परीक्षा 1432 केंद्रों में आयोजित की गई थी। झारखंड पुलिस को नए साल का बड़ा तोहफा मिला है। DGP ने कहा है कि थाने में पदस्थापित सभी पुलिसकर्मियों को मिलेगा सप्ताह में छुट्टी। राज्य के पुलिसकर्मियों को DGP ने न्यू ईयर का तोहफा दिया। 1 जनवरी से झारखंड के सभी थानों में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में सभी जिले के SSP को पुलिस मुख्यालय से आदेश भेजा जाएगा। इसके बाद सभी थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। बुधवार को पुलिस हेडक्वार्टर में आयोजित प्रेस वार्ता में DGP MV राव ने कहा कि जनवरी से थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलेगी। झारखंड में 3 साल बाद डॉक्टर्स की होगी बहाली। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 43 चिकित्सा पदाधिकारी और 280 डॉक्टर्स को दिया है ज्वाइनिंग लेटर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को एक कार्यक्रम में 43 चिकित्सा पदाधिकारी और 280 डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दिया। इनमें से 280 का चयन JPSC की तरफ से किया गया है। इन्हें अस्थायी चिकित्सा के पद पर नियुक्त किया गया। बाकी 87 चिकित्सकों को सिलेक्शन NHM की तरफ से हुआ है। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। डॉक्टर्स ने कहा, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाएंगे। JPSC के माध्यम से चुने गए चिकित्सकों का कहना है कि अब उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही और भी बढ़ गई है। ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य सेवा का दुरुस्त करने में हम मदद करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए चिकित्सकों के मुताबिक यह एक्सपीरियंस उनके करियर को सही मुकाम देने में कारगर साबित होगा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। 231 करोड़ की परिसंपत्तियां वितरित, दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास किया गया। पोड़ेहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सूबे की हेमंत सरकार ने कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए जनहित में बेहतर काम किए हैं। कृषि ऋण माफी और योजनाओं में BPL की बाध्यता खत्म करने से सरकार की साख बढ़ी है। वे मंगलवार को जिला प्रशासन की ओर से गोड्डा कॉलेज में आयोजित विकास मेला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से 231 करोड़ की परिसंपत्तियां का वितरण किया गया। वहीं 5 दर्जन से अधिक बड़ी योजना का ऑनलाइन भी उद्घाटन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से मोरहाबादी मैदान से किया गया। खबर है झारखंड के दुमका से। रांची दुमका सहित 10 ट्रेनों के परिचालन की हुई है मंजूरी। झारखंड में 13 ट्रेनों के परिचालन को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। रांची रेलमंडल से चलने वाली 10 ट्रेनों के परिचालन पर भी सहमति बनी है। ज्ञात हो कि सांसद संजय सेठ ने पिछले दिन रेल मंत्री समेत रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को ट्रेनों के परिचालन को लेकर मांग पत्र सौंपा था। इन ट्रेनों के परिचालन को अंतिम सहमति रांची रेलमंडल समेत झारखंड के अन्य रेलमंडल को भी मिल चुकी है। खबर है झारखंड के लातेहार से। लातेहार में हवा की चपेट में आने से सिक्योरिटी गार्ड की हुई मौत। आक्रोशितों ने किया है रोड जाम। बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित अमरवाड़ी पिकेट के पास हवा की चपेट में आने से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। हादसा मंगलवार की देर रात का है। हालांकि घटना के विरोध व मुआवजे की मांग पर आक्रोशित ग्रामीणों ने बुधवार को सड़क जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा सड़क पर निकला और बालूमाथ से मगध कोलियारी की ओर जाने वाली पक्की सड़क को JCB से खोद डाला। मौके पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
खबर है झारखंड के चतरा से। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, दो हथियार तस्कर गिरफ्तार किया है और साथ साथ में 10 कैन बम और 7.6 mm का एक देसी पिस्तल भी बरामद कर लिया है। अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में हरटरगंज निवासी कुंदन कुमार और गया का रहने वाला मनोज चौधरी शामिल है। SP को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से विस्फोट पदार्थ और हथियार के साथ हटरगंज थाना क्षेत्र की ओर से बिहार के सीमावर्ती जिले गया के शेरघाटी और इमामगंज थाना क्षेत्र की ओर आने वाले हैं। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम बनाई गई और वाहन चेकिंग शुरू की गई। खबर है झारखंड के चतरा से। चतरा में 10 लाख के इनामी कुख्यात नक्सली सोनू दास की लाश मिली है। हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है पुलिस। पुलिस ने मंगलवार को लोवालोंग थाना क्षेत्र में जंगल से उसका शव बरामद किया। परमजीत की हत्या किसने की पुलिस इसका अभी खुलासा नहीं कर पाई है। SDPO वचन देव कुजूर ने बताया कि तड़के टिकदा गांव के पास सुथाई जंगल में एक व्यक्ति की हत्या कर शव फेंके जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेज दिया। शव की पहचान 10 लाख के इनामी नक्सली परमजीत उर्फ सोनू दास के रूप में की गई है। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। गोला में पान मसाला के विरुद्ध DSP ने की है छापेमारी। रामगढ़ मुख्यालय DSP प्रकाश स्वय के नेतृत्व में मंगलवार को थाना पुलिस ने गोला मेन रोड डभातुर DCC चौक से प्रजरप्पा मोड़ की कई दुकानों में छापामारी कर भारी मात्रा में गुटखा पान मसाला सिगरेट खैनी तंबाकू बरामद किया है। साथ ही दो दुकानदारों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें मनोज पोदार व कुंदन पोदार शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई से तंबाकू गुटखा सिगरेट व पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों में दहशत व्याप्त है। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से देखते ही देखते गुटखा सिगरेट पान मसाला बेचने वाले समस्त दुकानें बंद हो गई। पर है झारखंड के साहेबगंज से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर पूर्व क्षेत्र के वरिष्ठ प्रचारक एवं गंगा समग्र के केंद्रीय संगठन सचिव मिथिलेश नारायण ने कहा, गंगा मात्र एक नदी नहीं, यह हमारी माता भी है। वे बुधवार को स्थानीय टाउन हॉल में मां गंगा का संरक्षण व संवर्धन में समाज की भूमिका विषय पर संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने गंगा के किनारे रहने वाले व गंगा नदी पर आधारित रोजगार से जुड़े लोगों से गंगा को स्वच्छ रखने का आह्वान किया। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर में 100 दिनों में 271 साइबर अपराधी गिरफ्तार। SP अश्वनी कुमार सिन्हा के देवघर SP के रूप में योगदान देने के बाद साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। SP का उद्देश्य देवघर को साइबर क्राइम फ्री जिला बनाने की है। लगातार हो रही साइबर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद साइबर अपराधियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। कई साइबर आरोपियों तो घर छोड़कर भी फरार हो गए हैं। पिछले 100 दिनों में पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 271 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है झारखंड के जमताड़ा से। साइबर अपराध में 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 हुए फरार। साइबर अपराध पर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई के बाद भी इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। बुधवार को कर्माटांड थाना क्षेत्र के हेड कर्माटांड गांव में पुलिस छापामारी कर 4 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों में एक नाबालिग है, जबकि 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।